दुख होता है कि भाई जब हमारा इतना बड़ा पेड़ सूख जाता है, जड़ सड़न से खत्म हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये 10 साल का पेड़ था। 10 साल की मेहनत हमारी 3 महीने में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें जड़ सड़न का मेन कारण ये रहा कि आप यहाँ कैमरा नज़दीक ला सकते, जूम करके दिखा सकते हैं बागवान भाइयों को कि भाई जब भी आप बगीचा लगाए तो ढलानदार जगह में लगाए और ऊंचे में लगाए। यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा मेन कारण रहा इसका दबने का, क्योंकि हमने मिट्टी में इसको 1 फुट नीचे लगा दिया था और उसकी अब मिट्टी की परत उठ गई ऊपर 1.5 फुट। यहाँ देख सकते हैं आप, जब भी आपने अब बगीचा लगाए तो आप ढलानदार जगह में बगीचा लगाए। यदि आपका समतल जमीन है, समतल खेत भी है, उसे ढलानदार बनाए और उसमें ही आप बगीचा लगाए। और हमने इसके लिए ट्रीट करने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ इस्तेमाल की हुई, इससे जड़ सड़न रुकता है और आपकी इसमें नई जड़ें आएगी। और ये जो पौधा सूखा हुआ 1 साल में ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, किसी भी दवा ने इसमें काम नहीं किया। यदि हमने इसमें बेबिस्टीन या नीलाथोथा चूने की ड्रेंचिंग की होती तो शायद ये पौधा बच जाता। जो आजकल नई नई तकनीक निकली मार्केट में कि भाई सुडोमोनास ट्राइकोडर्मा, और इससे बहुत ज़्यादा जड़ सड़न, उल्टा और ज़्यादा जड़ सड़न आता है। यहाँ देख सकते हैं आप, कैमरा नज़दीक लाइए। और हमने इसके लिए बचाने की पूरी कोशिश की थी, हमने प्रोच ग्राफ्ट, और जो इसकी प्रोच ग्राफ्ट भी चली, ये पेड़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा मेन कारण ये जो हमने पूरी बागवान भैया, जब भी आप बगीचा लगाए, चाहे आप रूट स्टॉक में लगाए या सीडलिंग में लगाए, आप अपनी ज़मीन को पहले ढलानदार बनाए। समतल में कभी भी बगीचा ना लगाए, क्योंकि समतल में हमारा पानी रुक जाता है बरसातों के टाइम। और दूसरी बात एक और याद रखना, क्योंकि हमेशा तौलिए को क्लीन कल्टीवेशन में रखे बरसातों में, जब भी घास आने लगे घास को कभी बढ़ने ना दे। इस तरह जैसे देख रहे हैं आप, घास लंबा लंबा हो चुका है, क्योंकि शेडी साइड जगह में 12 महीने नमी रहती है। जो एरिया है शेडी साइड है, इस यहाँ मेरे 10 पौधे इस तरह से सूख रहे हर साल एक एक पौधा। यहाँ देख रहे पूरा सैंपल के लिए 2 पेटी का पौधा बन चुका था और जड़ सड़न से 3-4 ही महीने में क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप, जड़ सड़न एक ऐसी बीमारी, यदि कहीं आपका इसका फंगल आ गया तो पूरे बगीचा इससे ख़त्म हो जाता है। और ना ही किसी कंपनी के गलत ध्यान से में जाए कि भाई इस दवा से जड़ सड़न सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कम से कम हमने 10 प्रकार की दवाएं इस्तेमाल की इसके लिए ट्रीट करने के लिए, कोई भी उपलूप नहीं हुआ, इससे बहुत और ज़्यादा बढ़ गया जड़ सड़न। यहाँ देख सकते हैं आप, यदि आपके भी थोड़ा कहीं जड़ सड़न का फंगल आ गया तो आप बेबिस्टीन का ट्रीट करें, इसमें ट्रेंचिंग करें बेबिस्टीन और डोडो मिक्सचर का। यहाँ देख सकते हैं आप, और ख़ासकर बरसातों के टाइम पानी इकट्ठा होने ना दें,